दर्शक बंधु आज आम आपण को एमती किसी कार्य विषय कहूँ जो कार्य कले स्वर्ग प्राप्ति होता है कारण आम मैने जितेबले जड़े जड़ कथा लगू से एमती किसी लोक था जो मैंने कथा कथार कहते भल कर्म कले स्वर्ग प्राप्ति हे आ मंद कर्म कले नर्क एमती घाटी हे तेरे यह के मात्र सत तेज चलतु आज आम जाना हिंदू धर्मर अठर टी पुराण मधर गरुड़ पुराण सतर स्थान रही तेरे पुराण में कर्म एवं यार फल विषय विस्तृत भाव वर्णना करा एवं जदि आप गरुड़ पुराण को भल भाव बुझती तेरे यह आपण जीवन जीवाई एक उत्तम मार्गदर्शन करपष्ट भाव लेखा जाए जड़े व्यक्ति कौन करवा उचित आउसे कौन करवा अनुचित एवं से निज जीवन रे किपरी आचरण करवा उचित यही सब रहस्यमय जिनसर रहस्य गरुड़ पुराण रे वर्णित अच्छी तबे आमे समस्ते स्वर्ग एवं नर्क विषय रे प्रायत शुणी था किंतु आपण जानती कि किपरी एवं किए स्वर्ग किंबा नर्क पाइले तबे गरुड़ पुराण रे स्पष्ट भाव व्याख्या करा जाइछि जे क्यों लोक मानू किपर स्वर्ग कि नर्कर रास्ता को जीवा को पड़ता है विषय भल भाव वर्णना आज्ञा हाँ जदि आप गरुड़ पुराण अनुजाई किसी भल कार्य करती तेज आपण को स्वर्ग प्राप्ति होता है स्वर्ग प्राप्ति पर विभिन्न मार्ग दर्शा जाए जहाँ को अनुधान कर गोटे व्यक्ति उत्तम मनीष होगा तार व्यवहार ठीक रखी थाए एपरी व्यक्ति जो मैंने निज इंद्रिय को नियंत्रण करती क्रोध भय एवं दुख इत्यादि प्राधान्य देवा दिंती से मृत्यु पर स्वर्ग पथ पाई एपरी पुरुष जो मान महिला मानक प्रति कौन लोभ न थाए जहार मन महिला को देख विभ्रांत हुए ना जो मैंने महिला मानू से माँ भी झील भाव बेचना करती से सामान आखिरे देखती से मैंने सदा सर्वदा स्वर्ग स्थान पाई तेरे गरुड़ पुराण अनुजाई जो मैंने व्यक्तित्वर गुण देख अन्य मानू प्रशंसा करती तेरे मृत्यु पर जमदूत द्वारा सर्वदा स्वर्गर पथ को जाती एही जिनिष गरुड़ पुराण रे वर्णना करा जायछि एवं जो व्यक्ति माने कुओ पोखरी आश्रम एवं मंदिर इत्यादि निर्माण करिथांती से माने मध्य निजर मृत्यु परे स्वर्ग रे स्थान पाइथांती। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा भास्कर।